गरुड़ पुराण। इन पांच बातों का रखेंगे ध्यान तो घर में होगा लक्ष्मी का आगमन, हमेशा बनी रहती है सुख समृद्धि। एक, भगवान को भोग लगाना। कहते हैं कि जिस घर में भोजन को बिना चखे भोग लगाया जाता है उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि किचन में कभी भी जूठा खाना न रखें। इससे अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दो, ग्रंथ पाठ। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों में छिपे हुए ज्ञान को समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। आपको धर्म कर्म का ज्ञान होना भी जरूरी है, इसलिए समय रहते ग्रंथों का पाठ अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। तीन, अन्नदान। हिंदू धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि भूखों को भोजन कराने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इससे आपकी पीढ़ी के अलावा सात पीढ़ियों का कल्याण होगा। चार, कुलदेवता की पूजा। आज भी कई लोग हैं जिन्हें अपने कुलदेवता के बारे में नहीं पता होगा। कुलदेवता का अर्थ है कुल के देवता। मान्यता के अनुसार हर कुल के एक आराध्य देवी देवता होते हैं जिनकी आराधना विशेष तिथियों में की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल देवता के प्रसन्न होने से आपकी सात पीढ़ियां खुशहाल रह सकती हैं, इसलिए इनकी पूजा जरूर करें। पाँच, चिंतन। गरुड़ पुराण के मुताबिक चिंतन करने से त्रुटियों का परिहार होता है। तप, ध्यान, चिंतन आदि करने से आपका मन शांत रहेगा, क्रोध दूर रहेगा, जिससे घर पर सुख शांति रहेगी और आप अपनी मेहनत से पुरुषार्थ करें।